मुझे मामा जी को बताना ही होगा। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। अपना एक अलग घर लेना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मेरे पास इस घर को गिरवी रखने के अलावा और कोई चारा नहीं। कोशी, कहाँ खोई हुई है तू? माफ करना माँ, कुछ सोचने लगी थी, सुनाई नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर तू इतनी परेशान क्यों लग रही है बेटा? माँ, वो वीनू को लेकर। क्या हुआ वीनू को? काम काज तो ठीक ही चल रहा है उसका। हाय राम, कोशी ये क्या, तू तो पसीने पसीने हो रही है, ठीक तो है ना बेटा? वो वीनू आजकल मुन्ने के भविष्य को लेकर के बहुत परेशान रहता है, यानी कि उसके खर्चे, उसकी परवरिश और उसकी पढ़ाई सही माहौल में होनी चाहिए। ठीक ही तो कहता है वो। हाय कोशी, ठीक ठीक बता, बात क्या है? कुछ भी बड़बड़ कर रही है, देख मुझसे मत छिपा। माँ, वीनू अपने लिए नया घर खरीदना चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि उसे मैं ये घर गिरवी रखने की इजाजत दे दूं, और वो भी उसके भाऊजी को बताए बगैर। वीनू की इतनी हिम्मत, इतनी बड़ी बात कह दी उसने? लेकिन माँ, वो ये भी कह रहा था कि दूर रहने से आपसे रिश्ते सुधर जाएंगे। खुशी, ममता के बहाव में बही चली जाती है तू, उसके बच्चे की परवरिश या नहीं हो सकती क्या? हम उसके दुश्मन है क्या? ये सब किया धरा वीनू की बहू का है, दिमाग खराब करके रखा उसने वीनू का। और तू बता, ये घर गिरवी रखना बच्चों का खेल है क्या? कुछ दामाद जी के बारे में भी तो सोच, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, और फिर तू ये मकान गिरवी रख देगी किसके भरोसे? माना साधना की नौकरी लग गई है, कल उसकी तनख्वाह भी आ जाएगी, पर वो पैसा इस घर पे खर्च करेगी, इसका क्या भरोसा? आए फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे। पता नहीं कल ऑफिस में क्या हुआ होगा। साधना जब लौटी थी कुछ परेशान सी लग रही थी, कहीं कल आलेख बाबू तो नहीं गए थे वहां? सामना बेटा, दरअसल कल शाम को जब तू लौटी तो मैं तुझसे बात करना चाहता था, जानना चाहता था कि कैसा रहा तेरा दफ्तर में पहला दिन, लोगों से जान पहचान हुई या नहीं। लेकिन शायद तू थक गई थी बहुत, इसीलिए जल्दी सो गई। हाँ मामा जी, कल मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और पता है मामा जी, हम ना हमारे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक साइट पे गए थे, और पता है वहाँ आलेख जी भी आए थे। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। हाँ मामा जी, वो मलिका मैम के बिजनेस पार्टनर है ना। लेकिन बेटा, मुझे तो लगा था कि उनमें और मलिका मैडम में कुछ काम को लेकर अनबन हो गई। साधना, मैं कल सुबह ही तुझे बताना चाहता था बेटा, लेकिन देख साधना, अगर तू ये नौकरी नहीं करना चाहती है ना बेटा, तो कोई कोई मजबूरी नहीं है। मामा जी, ये भी तो सच है ना,
कि अब मुझे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ अगर मेरी भविष्य की राह में अतीत भी कभी कभी टकरा जाए तो? आखिर इसी कसौटी से तो गुजर कर हमारी हिम्मत बढ़ती है ना। और फिर आप ही ने तो कहा कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। मामा जी एक रिश्ता ही तो दो लोगों को जोड़े रखता है ना, तो फिर मैं उस रिश्ते के लिए अपनी नौकरी क्यों छोड़ दूं जब वो छोर इस और को अपना मानता ही नहीं। मामा जी आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस सफर में कभी भी कमजोर ना पड़ूं, हर कदम पे मेरे मन का बल बढ़ता जाए। जीती रहे बेटा, ऐसा ही होगा। मामा जी अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। पर इतनी जल्दी आज? वो मुझे आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है। ठीक है। रणवीर हम कहाँ जा रहे हैं? पहले तो आपने जिद की कि मैं साड़ी के बजाय सूट पहनूं। मैंने सूट पहन लिया और फिर आपने आंखों पर पट्टी भी बांध दी। आप कहाँ लेकर आए हैं मुझे? बस एक मिनट रणवीर। ये सब तुम्हारा है, मैंने ये डांस स्कूल तुम्हारे लिए खरीद लिया। आपने खरीद लिया है? पर क्यों रणवीर? अंदर कदम तो बढ़ाओ, जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। कम ऑन।
राधे तुम रो क्यों रही हो? I'm sorry, रणवीर, मैं जानती हूँ आप मुझे फिर से उसी तरीके से मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं रणवीर, नहीं होगा मुझसे, बिल्कुल भी नहीं होगा। रणवीर, आप वापस आ गए, यही मेरे जीने की सबसे बड़ी वजह बन गई है। आपके साथ बिताया हुआ हर पल जैसे मेरे सारे जख्मों को भर देता है, लेकिन पता नहीं क्यों रणवीर, जो मैंने खोया है मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, जैसे जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा सा मर चुका है। पुरानी बात, पुरानी खुशियां, फिर उसी तरीके से जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रागिनी प्लीज रो मत। ये लड़कियां क्या कैसे? मैं जानता हूं भाभी, ये आइडिया आपका ही हो सकता है। दीदी, आप पहले जो ताज महोत्सव में जीत गए थे। बच्चों, ये ऐसे नहीं करते हैं, मैं बताती हूँ। 1, 2, 3, 4। दीदी, आप ही करके दिखाइए ना प्लीज। सारे स्टेप सही कैसे करते हैं? हाँ हाँ दीदी, आप ही करके दिखाओ ना। दिखाइए ना, दिखाइए ना, दिखाइए ना।
राग के संग है रागिनी ऐसे भरी बसंत में भोरनी पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी पहनूं ओढ़ूं बिछाऊं मैं तुझे भर के सांसों में गाऊं मैं पहनूं ओढ़ूं बिछाऊं मैं तुझे भर के सांसों में गाऊं मैं तेरी राह अब नहीं छोड़नी तेरी राह अब नहीं छोड़नी पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी सही पहचाना नरती ही मेरी पसंद है और वो ही मेरी जिंदगी मैं फिर से नाचूंगी हाँ साधना जी मैम तुम इमीडिएटली कॉटस सिटी के साइट पे चली जाओ और वहाँ भूमि पूजन की तैयारी शुरू कर दो भूमि पूजन यस डैड चाहते हैं कि ये पूजा आज ही हो जी मैम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं सब संभाल लूँ हम मिस्टर राजवंश को इन्फॉर्म कर देंगे एंड सी टू इट कि सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि उनकी फैमिली भी वहाँ हो सकती है एंड या साधना मेक श्योर दैट यू आर वेल ड्रेस्ड ओके मैम स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को